हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी जोन में। आज जैसे कि मैं बताने वाला हूँ, ओएमआर सीट डिस्प्ले हो रही है, जो नीट की ओएमआर सीट है वो डिस्प्ले करने वाले हैं, और रिस्पॉन्स सीट जो भी आने वाली है, दोनों अलग अलग आई है, आज शाम तक आ जाएगी। ठीक है, आज शाम तक आपकी ओएमआर सीट और दोनों रिस्पॉन्स सीट दोनों आने का चांसेस है। जैसे कि आप कैसे देखोगे इस सब चीज़ों के डिटेल में आपको फुली डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप देख मोबाइल को आप थोड़ा वर्टिकल हॉरिजॉन्टली कर लीजिए, और अब देखिए कि नीट एग्ज़ाम 2019 का डिस्प्ले फॉर ओएमआर सीट इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्पॉन्स सीट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको हेडिंग डाली है उसी के हिसाब से है न्यूज। ये देखिए, आप जैसे कि नीट पे जाएंगे, डालेंगे साइट पर ntnneet.nic.in या फिर ntnneet डालोगे, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट वाले ने डाली है। जैसे ही आप उस पर डालोगे, वैसे ही आपको साइट का ऐसा पेज ओपन होगा और आप अंदर जाओगे। जैसे कि पिछले साल वो क्या करते थे, ओएमआर सीट और रिस्पॉन्स सीट दोनों साथ में डालते थे। ओएमआर सीट और रिस्पॉन्स सीट में क्या होता है कि ओएमआर सीट में वो आंसर बताया जाता है जो आपने टिक लगाया, और रिस्पॉन्स सीट में वो सही आंसर कि आपने क्या रिस्पॉन्स किया था, कि कैसा आया था, कैसा मतलब आपकी एक जैसे QP क्वेश्चन पेपर रहता है ना, जैसे कि पिछले साल रहता है, ऐसे ही सेम एक ओएमआर सीट और रिस्पॉन्स सीट रहती है। रिस्पॉन्स में वो रहता है जो कि दो आंसर क्वेश्चन के वाले जो आपने दिया था उसकी रहती है, ओएमआर सीट एक अलग आती है जिसमें आपने ऑप्शन लगाए थे। तो जैसे कि कैसा ये रहेगा, ऐसे आपने लॉगिन करोगे, जैसे कैंडिडेट लॉगिन पे जाओगे तो ऐसा एक ऑप्शन आएगा, उस पर आएगा पंजीयन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपके हैं। तो इस पर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके इसमें एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म कैसा खुलेगा, और जैसे आपने पंजीकरण नंबर डाला है, जैसे मैंने कुछ डाला है पंजीकरण लॉगिन नंबर डाला है और मैं क्लिक करूँगा, वैसे ही मेरे को ये पेज खुल जाएगा। ये मेरा एक पेज खुला, ऐसा एक पेज जो KYC चालन अप्लाई फॉर KYC चालन प्रे प्रिंट पे ही, इसमें एक ऑप्शन होगा OMR सीट और रिस्पॉन्स सीट का। ठीक है दोस्तों, तो आप वैसे ही आज शाम तक आने का है OMR सीट और रिस्पॉन्स सीट, जैसे कि मैं आपको ऑनलाइन अभी करके बता। देखिएगा, अब आ जा रही है, ये कैंडिडेट है मेड अप ऑफ, एक लाइन जा रही है, मेड अप ऑफ डुप्लीकेट पेमेंट अगेंस्ट की चैलेंज द अमाउंट शैल बी रिफंडेड बाय NTA नेशनल टैलेंट टेस्ट एजेंसी रिफंडेड कर देगी। तो पब्लिक नोटिस आंसर की चैलेंज के लिए आ गई है, तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं, है ना। नीट की साइट पर ये आ चुकी है दोस्तों, तो इस पर आपको मैं बताता हूँ कैसे आप चैलेंज करेंगे। जैसे क्लिक किया, इसमें डाउनलोड होने लगी है, ये ऑप्शन आया, डाउनलोड होकर नोटिफिकेशन आ गया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट UG 2019 चैलेंज फॉर आंसर की, चैलेंज फॉर आंसर की चैलेंज करना है 5 मई 2019 से 20 मई 2019, विच 15,19,375 कैंडिडेट वेयर रजिस्टर्ड, है ना। इतने लोगों ने दिया है, 15 लाख लोगों ने दिया है एग्ज़ाम नीट का, और ये चैलेंज आपको 29/5/2019 से 31/5 फैसिलिटी अवेलेबल है, और चैलेंज ऑनलाइन 100 रुपये आपको ऑनलाइन डालना है, कि आपको कोई सा क्वेश्चन गलत लगा है तो आप चैलेंज डाल सकते हो। ये प्रोसीजर ऑफ चैलेंज है, आंसर की का चैलेंज देखो।